हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। वही पलवल के गांव अटोहा के नजदीक चलती कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह घटना केजीपी एक्सप्रेस वे पुल के नीचे हुई, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से कार देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हुई। गनीमत यह रही कि कार में सवार दोनों लोगों ने कार में धुआं निकलता देखकर कार रोक दी और बाहर निकल गए। आग की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी और दमकल विभाग की गाड़ी भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कार सवार लोगों ने बताया कि वो राजस्थान से यूपी के मथुरा की तरफ जा रहे थे। जैसे ही वो पलवल के गांव अटोहा के नजदीक केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे पुल के नीचे पहुंचे तो अचानक उनकी कार के बोनट से धुआं निकलने लगा। धुआं निकलता देख उन्होंने कार को रोककर कार के बोनट को खोलने की कोशिश की और देखते ही देखते कार में आग लग गई। हम आ रहे थे यूनिवर्सिटी से, राजस्थान से। जैसे गाड़ी में थोड़ी सी धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया, हमने गाड़ी रोकी, फिर कोशिश की बोनट खोलने की। बोनट खुलाने फिर सब पे फ़ोन किया, 100 नंबर पे फायर ब्रिगेड और भाई आ गए थे, सबने कोशिश की बोनट खुलाने, फिर उसके बाद आग पकड़ती हुई गाड़ी। ऐसे ही मुझे इतला मिली भाई डस्टर कार है कोई यूपी नंबर की और केएमपी फ्लाईओवर के नीचे आगजनी है। तुरंत मैं बिना देरी के जैसे भी था जिस पोजिशन में तुरंत पहुँचा हूँ, उसी आगजनी होती हुई हालात जो है ना कंट्रोल कर लिया गया फायर ब्रिगेड द्वारा, और जो भी जान माल की जो है ना सुरक्षा सुरक्षित बच गए। ड्राइवर था और एक उनमें सवारी साथ बैठे।